नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में खास तौर से हम चर्चा करने जा रहे हैं ओरल कैविटी या मुंह की एक समस्या के बारे में जिसका नाम है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया क्या है, ल्यूकोप्लेकिया से संबंधित जो अदर डिजीज हैं उनसे अपन इसको कैसे अलग कर सकते हैं या ल्यूकोप्लेकिया को कैसे पहचान सकते हैं, क्या क्या खास तौर के जो लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका होम्योपैथी से किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ल्यूकोप्लेकिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं उनमें कितनी क्या इफेक्टिव रहती है होम्योपैथिक मेडिसिंस, उन मेडिसिंस का नाम भी हम आपको बताएंगे जो हमारी सक्सेस स्टोरी है या जो हमारे केस ल्यूकोप्लेकिया के ठीक हो रहे हैं उनको भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं बताएंगे, और ये मेडिसिन आप कैसे अवेलेबल हो सकती है, अगर आपको हमारे से परामर्श लेना है तो किस तरीके से परामर्श ले सकते हैं, ये तमाम जानकारियां दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, फिर से हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चैनल के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उनका जेन्युइन और प्रैक्टिकल सोल्यूशन आप तक पहुँचाया जाए। इसी क्रम के अंदर आज बात करेंगे ल्यूकोप्लेकिया से संबंधित। ल्यूकोप्लेकिया का दोस्तों मतलब है कि अपनी जो ओरल या मुंह की जो कैविटीज होती है उसके अंदर जो पिंक मेम्ब्रेन है, उस पिंक मेम्ब्रेन के पास में कहीं भी कोई एक सफ़ेद सी उभरी हुई परत अगर आपको देखने को मिल रही है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया। दोस्तों, उभरी हुई परत अलग अलग डिजीज में भी हो सकती है, आपकी ओरल सब म्यूकोस फाइब्रोसिस, ओरल कैंडिडाइसिस के अंदर, ओरल लाइकल प्लेनस के अंदर भी आपको हो सकती है। लेकिन इसको चीज़ों को अपन कैसे अलग करें, आप इस चीज़ को स्वतः भी डायग्नोसिस कर सकते हैं या फिर नज़दीकी डेंटिस्ट से परामर्श लेकर कर सकते हैं या ENT स्पेशलिस्ट से जाके भी आप मिल सकते हैं जो आपका प्रॉपर तरीके से इस डिजीज का डायग्नोसिस हो सके। लेकिन खास तौर से जो लक्षण बताऊंगा दोस्तों उनके अर्ली डायग्नोसिस भी आप भी कर सकते हैं। खास तौर से एक उभरी हुई सफ़ेद सी परत जिसके अंदर किसी तरीके का कोई शुरुआत में सेंसेशन नहीं रहता, किसी तरीके की दर्द या जलन नहीं रहता है, वो जो चमड़ी है बिल्कुल एकदम से डिमार्केटेड होता है, यानी कि उसका जो उभार होता है पिंक मेम्ब्रेन के एकदम से साथ में होता है, फैलाव लिए नहीं होता है, साथ साथ के अंदर इसको जो पपड़ी को अपन खोज के उतार नहीं सकते, उतरती नहीं है, यानी केराटिन की जो लेयर होती है वो लेयर परत बाई परत बढ़ती जाती है, हाइपरकेराटिनाइजेशन की वजह से ये परत मोटी हो जाती है। दोस्तों, ये जो परत है किसी भी कलर के अंदर, व्हाइट कलर में भी हो सकती है, कुछ केसेस के अंदर ग्रे कलर में, स्लेटी कलर जो होता है उसमें भी देखने को मिलती है, इसका जो अपीयरेंस होता है मड कलर, मिट्टी की जैसे फटती है ना उस तरीके के क्रैक्स भी इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, उभार भी होते हैं कई जगह, तो अलग अलग टाइप्स में आपको बताएंगे किस तरीके के केसेज होते हैं। लेकिन दोस्तों, लेटर स्टेज के अंदर इसके अंदर कुछ केसेज के अंदर पेन, जलन और दर्द आपको बना रह सकता है। ये जो ल्यूकोप्लेकिया के जो केस होते हैं दोस्तों ज़्यादातर प्री कैंसर स्टेज के अंदर हो सकते हैं, ज़्यादातर केसेज के अंदर कैंसर के चांसेस नहीं बनते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो कैंसर डेवलप होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, यानी मुंह का जो कैंसर होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कभी भी आपको हो सकता है, इसलिए इसको सही तरीके से सही टाइम पे डायग्नोस करके उसको ट्रीट करवाने की कोशिश करें। दोस्तों, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ट्रीटमेंट का बेस भी ये रहता है कि अगर अलग अलग टाइप्स के होते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन किस टाइप के अंदर अच्छा वर्क करती है। जो फ्लैट टाइप के या समतल बिल्कुल जिनका ऊपर से जो देखने के अंदर बिल्कुल फ्लैट लगते हों, जिनकी परत जो है बिल्कुल समतल होती हो, उन केसेज के अंदर बहुत बेटर वर्क करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। जिनके अंदर हल्का सा क्रैक्स पड़े होते हों, रिज भी बनी होती हों हल्की हल्की, या जिनके अंदर रिंकल्स पड़े हुए होते हों, ये जो फ्लैट टाइप के जो होते हैं ल्यूकोप्लेकिया उनमें बेटर वर्क करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। सेकेंड जो टाइप के होते हैं जिनकी जो सतह होती है वो खुरदरी होती है, बिल्कुल उभार ली होती है, जिनको दोस्तों जैसे हैरी ल्यूकोप्लेकिया है, जिनको नोडुलर ल्यूकोप्लेकिया भी बोलते हैं, या इरिथ्रो ल्यूकोप्लेकिया है, वेरुकस ल्यूकोप्लेकिया है, या अल्सरस ल्यूकोप्लेकिया है जिनके अंदर घाव बन जाता है, बहुत बड़ा घाव बन जाता है, वेरुकस उस टाइप की होते हैं जिनके अंदर जैसे मस्से होते हैं ना अपने स्किन के ऊपर, जैसे गुच्छे गुच्छे टाइप ऐसे नज़र आने लग जाते हैं, व्हाइट व्हाइट ऐसे गुच्छे मुँह के अंदर नजर आते हैं, साथ साथ के अंदर इरिथ्रोप्लेकिया के अंदर अलग अलग धब्बे लगने लगता है, रेड व्हाइट के साथ में रेड धब्बे नज़र आने लग जाते हैं। इसके जो नोडुलर होता है या जो आपका स्पेकल ल्यूकोप्लेकिया होता है उसके अंदर कुछ नोडुल्स दिखते हैं उभार लिए हुए, इनके जो टाइप्स, ये जो टाइप है जो समतल नहीं होती जिनकी सरफेस, उसमें चांसेस बहुत ही कम बनने लग जाते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन का। और दोस्तों, जो हम आपको केस दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये टोटल ही फ्लैट टाइप का जो ल्यूकोप्लेकिया होता है, समतल जिनकी सरफेस होती है, इन पे बेटर रिजल्ट्स स्टेप बाई स्टेप, वन मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ तक आपको रिजल्ट देखने को मिलने लग जाते हैं और केसेस में इम्प्रूवमेंट पे आने लग जाता है और पूरी तरीके से ये गायब हो जाते हैं, और होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हुआ केस ज़्यादातर केसेज के अंदर रिकर नहीं होने के चांसेस रहते हैं।
अब बात करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है दोस्तों इनके जो ल्यूकोप्लेकिया की अलग अलग साइज होती है कि अगर आपका पैर छोटा है आपका किस तरीके का ल्यूकोप्लेकिया है, कितने समय से आपका ल्यूकोप्लेकिया है, किस तरीके का उभार है, तो उस पर भी टोटल ही डिपेंड करता है आपका ट्रीटमेंट। तो मैं आपको बात करना चाहूँगा कि खास तौर से जो हम ल्यूकोप्लेकिया के केसेस ठीक कर रहे हैं उनके अंदर जो मेडिसिंस यूज करते हैं प्रोमिनेंट तरीके से जो खास तौर से सिम्टोमेटिकली जो मेडिसिंस आती है वो होती है आर्सेनिक एल्बम, थूजा ऑक्सीडेंटलिस, काली म्यूरेटिकम, टेरेसेकम, एंटीमोनियम क्रूडम। ये जो खास तौर से मेडिसिंस हम यूज़ करते हैं नेट्रम म्यूरेटिकम, ये जो मेडिसिंस हैं इनको अलग अलग पावर के अंदर अकॉर्डिंग टू केस सेलेक्ट करके दिया जाता है। एक टाइम पीरियड के दौरान सही तरीके से उस ट्रीटमेंट को फॉलोअप में रखा जाता है तो धीरे धीरे इनके डेढ़ से दो महीने या दो महीने के अंदर अंदर इन केसेज में रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और उनको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी पेशेंट को होता है कि मैं बिना किसी लोकल एप्लीकेशन के, बिना किसी मुँह के अंदर कोई लेप किए हुए, बिना किसी कुछ लगाए हुए होम्योपैथिक मेडिसिन ओरली लेने से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट नज़र आता है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो धीरे धीरे कुछ महीनों तक उनका ट्रीटमेंट चलता है और आसानी से केस क्योर होते हैं। तो दोस्तों किसी भी तरीके का कोई ल्यूकोप्लेकिया का केस है आप उसको अर्ली डायग्नोसिस जरूर करवाएं और उससे आप नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इन मेडिसिंस का अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन आपको नज़दीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से अवेलेबल हो सकती है, अगर नहीं होती तो दी गई स्क्रीन के ऊपर हमारी वेबसाइट paras homeopathy.com से भी आप इनको ले सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श लेना है तो दोस्तों दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीन पर जो है अपॉइंटमेंट लेके पेट कंसल्टेशन भी हमारे से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों बनी रहिए हमारे साथ, जियो जिंदगी के रंग, होम्योपैथी का संग। धन्यवाद दोस्तों।